रमजान के महीने में महवा मंडी से फलों और सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई जारी है। इस संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने बताया कि हमारे मंडी से निकल रही गाड़ियों में सभी तरह के फल, आम, तरबूज, खरबूज, संतरा, अनार, पपीता, अंगूर, केला रखवा दिए गए हैं, जिससे किसी को भी घरों के बाहर न निकलना पड़े। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। इसमें रमजान शरीफ को देखते हुए सभी गाड़ियों में हमारे सभी तरीके से फल है, सभी तरीके के फल है। जैसे आम है, उसमें तरबूज है, खरबूज है, संतरा है, अनार है, पपीता है, चीकू है, उसमें केला है, सारी जितने भी फल इस समय आ रहे सारे फल रमजान शरीफ के अवसर पर सभी गाड़ियों में निरंतर जा रहे हैं और पूरे रमजान शरीफ तक जाएंगे, पूरे लॉकडाउन तक हरी सब्जियां, फल वगैरह, आलू प्याज सारी गाड़ियां जाएगी। सब्जियां किन कौन कौन सी सब्जियां रखा है? सब्जियां में परवर है, नेनुआ है, कुंदरू है, लौकी है, भिंडी है और सरपुतिया है, केला, कच्चा केला है, कोहड़ा है, परवर है, सारी सब्जियां इस समय जा रही है। जितनी भी सब्जी आ रही है इस समय मार्केट में, सारी सब्जियां हमारी गाड़ियों पे लद के जा रही है और वो डोर टू डोर जाके हर मोहल्ले में, हर वार्डों में, घर टू घर पे डोर टू डोर जाके सीटी बजा के, मास्क लगा के विक्रेता सप्लाई कर रहे हैं। और हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करे। ये कोरोना वायरस के महामारी से जनता लॉकडाउन का पालन करे और कामयाब रहे।